हाय गाइस, माय सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा ग्लैम दिवाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करूँगी, क्योंकि फेस अगर मॉइस्चराइज नहीं होगा अच्छे से तो मेकअप अच्छे से नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे द प्योर इंडियन स्टोर का टोनर यूज़ किया है, रोज़ टोनर। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पे पहले यूज़ किया है सेरम, लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस का सेरम। और ये सेरम मतलब ग्लैम फेसटिप लुक के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है। सो मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी। और मेरा हैंड भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो मैंने यहाँ पे पिलग्रीम का हैंड क्रीम यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे पिच मिल्क का 24 आवर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट एक मॉइस्चराइज़र है गाइज, बहुत चिपचिपा, बिल्कुल चिपचिपा फील नहीं होता। उसके बाद ब्राउज़ को फिल कर लिया मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट से, और उसे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर देने के लिए कंसीलर लेके थोड़ा सा ब्राउज के एजेस पे अप्लाई करके स्ट्रक्चर दे दिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर हाइलाइटर। ये प्राइमर का तो काम नहीं करता, पर फेस को अच्छे से हाइलाइट ज़रूर करता है। तो प्राइमर के लिए इसलिए मैंने फिर से यूज़ किया है लैक्मे का ब्लरिन प्राइमर, और ये फेस्टिव और हेवी मेकअप के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है गाइस। नेक्स्ट मैंने कलर करेक्टर के लिए यहाँ पे यूज़ किया है पर्पल का कलर करेक्टर। मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर से जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पे कवर कर दिया है, और ग्रीन कलर करेक्टर से जहाँ जहाँ मुझे मतलब एक्ने का मार्क्स था वो कवर कर दिया है। यहाँ मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया लॉरियल इन्फलेबल का फाउंडेशन इन दी शेड रोज़ वैनिला, और मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसे डैम्प कर लिया है अच्छी तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे क्योंकि फेस्टिव लुक है तो फाउंडेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, नहीं तो केक ही देखिएगा कुछ देर बाद। ब्लेंड ज़रूर करना अच्छे से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 02, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट दिखाना था वहाँ पे यूज़ किया है, और ये कंसीलर काफ़ी अच्छा कवरेज देता है गाइस। मैं पर्सनली आप लोगों को ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी। और मैंने लीड पे भी कंसीलर अप्लाई कर लिया है क्योंकि मुझे नेक्स्ट आई शेडो ड्रॉ करना है, और मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंटूर पैलेट में जो बनाना पाउडर है उससे लीड को सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आई शेडो के लिए यूज़ किया है यू कैन बी का आई शेडो पैलेट। सॉरी, उसके पहले मैंने थोड़ा सा मैंने जो कि एच डी का लूज पाउडर अपने अंडर आईज एरियाज पे सेट करके रखा था ताकि जो फॉल आउट हो मैं उसे इजिली रिमूव कर पाऊँ। तो मैंने यू कैन बी का आई शेडो पैलेट से ये डार्क पर्पल शेड लेके क्रीज लाइन पे अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट ये डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने क्रीज के ऊपर प्लेस करके पर्पल शेड के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है गाइस, और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। नेक्स्ट ये येलो शेड लेके मैं ब्राउन शेड के ऊपर प्लेस करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कलर जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कोई भी हर्श लाइन ना दिखाई दे। यहाँ पे मैंने मामा अर्थ का चाकोल लॉन्ग स्टे काजल लेके वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लिया है, और एज अ लाइनर भी ड्रॉ किया है क्योंकि मैं यहाँ पे स्मोकी लुक कर रही हूँ, तो मैंने काजल को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके ऊपर मैंने पर्पल शेड लेके काजल के साथ उसे स्मज आउट कर लिया है लुक को स्मजी दिखाने के लिए। अंडर आइज एरियाज पे भी मैंने मतलब वाटर लाइन पे भी मैंने काजल अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लिया था, और पर्पल शेड लेके मैंने काजल के साथ लुक को स्मज आउट कर लिया है, और जो फॉल आउट हुआ था मैंने बनाना पाउडर यूज़ करके रखा था तो इजीली रिमूव हो गया। यहाँ मैंने लैश को कर्ल करके यूज़ किया है लैक्मे का हाइपर सेंसेशनल मस्कारा, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इनके का डुओ कंट्रोल पैलेट। और फेस बेकिंग के लिए मैंने फिर से मैरी जो के एच डी का ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ किया है। मैं अपने नोज को भी कंट्रोल करूँगी ताकि अच्छा एक शार्प लुक आए, और मैं अच्छी तरीके से पूरे फेस पे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे प्रिसिशन मैट का विक्टोरियन मैजेंटा शेड, और ये शेड बहुत ही प्यारा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसे एज अ ब्लश यूज़ किया। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शुगर का रॉयल रोज़ हाइलाइटर,
और मैं इसे अपने ब्राउ बोन्स, चीक बोन्स, आईज के इनर कॉर्नर को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लूंगी और ये काफ़ी अच्छा एक फेस्टिव ग्लैम लुक देता है गाइस। तो मुझे ये हाईलाइटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे प्रिसिशन मैट का विक्टोरियन मैजेंटा शेड और मैं इसे मतलब लिप लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर लूँगी। उसके अंदर मैंने लिप को फिल करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है अलोरिंग न्यूड शेड और ये दोनों शेड मिला के एक ओम्ब्रे शेड आ गया है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है और मेकअप फिक्सर से मैंने मेकअप को फिक्स कर लिया है। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल दिवाली मेकअप लुक एंड आई होप मेरा ये लुक आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो हैप्पी दिवाली गाइज, बाय बाय।